दोस्तों इस वक्त कायनात में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हो रही हैं, जिनमें बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम ऐसी ही हैरान कुन डिस्कवरीज की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं दी डार्क फ्लो की। ये कायनात में होने वाला एक ऐसा हादसा है जो आज भी चल रहा है। ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के कई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचकर उन्हें खत्म कर रहा है। 2009 में साइंसदानों ने यह पता लगाया कि वेस्ला और सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन के दरमियान एक ऐसी चीज मौजूद है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ और भी गैलेक्सीज को खींच रही है। इस खिंचाव की वजह से हमारी गैलेक्सी की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। जिस तरह ये गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसी हिसाब से इस चीज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा लगती है। साइंसदान का कहना है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है जो इन सब गैलेक्सीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि इन दोनों कॉन्स्टेलेशन में एक और कायनात मौजूद हो सकती है जिसकी ग्रेविटी सब गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है। हकीकत में ये चीज है क्या, अभी किसी को कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक स्टार की। दोस्तों आपने रेड, येलो और व्हाइट स्टार्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर में हमारी कायनात में ब्लैक स्टार्स भी मौजूद होंगे। ये स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के खत्म होने के बाद बनते हैं। साइंसदान का कहना है कि 5 अरब साल बाद हमारा सूरज भी एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और फिर खरबों सालों बाद उसमें एक ब्लास्ट होगा और फिर ये व्हाइट स्टार ब्लैक स्टार बन जाएगा। एक स्टडी के मुताबिक ये स्टार हमारी कायनात के सबसे आखिरी स्टार होंगे। ये स्टार्स ब्लैक होल के साथ हमारी कायनात में आखिरी वक्त तक जिंदा रहेंगे और फिर हमारी कायनात के खत्म होने के साथ ये भी खत्म हो जाएंगे। ये स्टार्स बहुत ज्यादा ठंडे होंगे। इस वक्त हमारी कायनात में बहुत ज्यादा मकदार में व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमारी कायनात ब्लैक स्टार से भर जाएगी। साइंसदान का कहना है कि पहला ब्लैक स्टार 1 खरब साल बाद बनेगा, यानी आज से 1 खरब साल बाद हमारी कायनात का पहला व्हाइट ड्वार्फ स्टार मरेगा। उसके बाद हमारी कायनात का पहला स्टार बनेगा, जो वाकई में बहुत हैरानकुन बात है। इसके बाद बात करते हैं इंसानी खोपड़ी जैसे एस्ट्रॉइड की। स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसा नजर आता है, जिसका नाम 2015 TB145 है। नासा के साइंसदानों के मुताबिक ये एक डेड कॉमेट है जो पहले बर्फ से ढका हुआ था। ये कॉमेट 31 अक्टूबर 2015 को हमारी जमीन के करीब से गुजरा था, जिसकी वजह से साइंसदान इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाए थे। ये कॉमेट बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसा लगता है। इसको जब पहली बार देखा गया था तो साइंसदान खौफजदा होके थे कि स्पेस में कोई इंसानी खोपड़ी घूम रही है और ये सूरज को बहुत दूर से कई सौ सालों में अपना एक ऑर्बिट कम्प्लीट करता है। इसके बाद बात करते हैं पर्शियन क्लस्टर की। साइंसदानों ने इस क्लस्टर को चलाती हुई खोपड़ी का नाम दिया है और ये इसकी असल तस्वीर है। जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको चलाती हुई खोपड़ी की तरह दिखाई देगी। ये हमारी जमीन से 320 मिलियन लाइट ईयर दूर है और इसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इसमें आपको एक भी गैलेक्सी नजर नहीं आएगी क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का बहुत बड़ा बादल है जिसका टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री है। ये क्लस्टर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से बना था। जब बहुत सारे पार्टिकल्स इसके सेंटर से बहुत तेज रफ्तार से गुजरे तो इसकी शेप ऐसी बन गई, जिसकी वजह से ये क्लस्टर एक चलाती हुई खोपड़ी जैसा दिखाई देता है, जो वाकई में खौफ कर देने वाला क्लस्टर है। इसके बाद बात करते हैं कूपर साइटिंग की। गॉर्डन कूपर अमेरिका के एक ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अकेले ही स्पेस में टाइम गुजारा था। 1963 में जब ये अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठे जमीन का चक्कर लगा रहे थे, तब इन्हें एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज दिखाई थी। इनके मुताबिक ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट था जो बहुत तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक रेडियो स्टेशन ने भी इसे दुनिया के सामने रखा था। ये साइंसदान बहुत ज्यादा डर गया था और जमीन पर आने से पहले ही इसने कह दिया था कि मुझसे इस हादसे के बारे में कुछ भी ना पूछा जाए। बस यही वजह है कि आज तक इसके बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता कि आखिर ये चीज है क्या। स्पेस में किए जाने वाले मिशन बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को बहुत ज्यादा ध्यान से अपनी चीजें यूज करनी होती है। स्पेस में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट पानी की एक भी बूंद जाया नहीं कर सकते। पानी ही नहीं बल्कि किसी भी चीज को जाया नहीं कर सकते। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट अपने ही यूरिन और पसीने को साफ करके पीने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
स्पेस में जाने वाले एक मशहूर साइंसदान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक मिशन के दौरान 730 लीटर पसीना और यूरिन पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ ग्रेविटी नहीं है और जमीन से वहाँ फूड्स और वाटर प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए सब चीजों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ग्रेविटी ना होने की वजह से वो इधर उधर उड़ता रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को खराब कर सकता है, इसलिए उसे स्टोर करके पानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं यूएफओ जैसी प्लेट की। दोस्तों, रूसी साइंसदानों के पास स्पेस में सबसे ज्यादा वक्त तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। ये रिकॉर्ड 541 दिनों का था। एक दिन मिशन के दौरान इनकी नजरें एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। इसकी फुटेज भी साइंसदानों के पास मौजूद है। तमाम साइंसदान को कहना है कि ये एक यूएफओ था। असल में जब आप स्पेस में होते हैं तो आप किसी भी चीज के साइज को नहीं पहचान सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये नजर आने वाला ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। साइंसदानों ने बताया कि ये स्पेस में मौजूद कोई भी आम चीज नहीं थी, क्योंकि इसमें से बार बार लाइट निकल रही थी। कई लोगों का कहना है कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो हमारी जमीन के पास घूम रहा था, और कई साइंसदानों का कहना है कि ये धूल का बादल हो सकता है जो सूरज की रोशनी से चमक रहा था। हकीकत अभी किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक होल ऑफ डूम की। कुछ साल पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढा जो हम सबको तबाह कर सकता है। इसकी स्पीड 8,46,720 किलोमीटर फी घंटा थी। ये ब्लैक होल हमारी जमीन से 8 अरब लाइट ईयर दूर है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ब्लैक होल हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लाख सालों के बाद ये ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी से अलग हो जाएगा और फिर आवारा घूमने के साथ साथ स्टार्स और सियारों को निगलने लगेगा, और वक्त के साथ साथ ये और बड़ा होता जाएगा। और साइंसदान का कहना है कि ये हमारी जमीन की तरफ भी आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर पास्ता की। जैसे कि आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारी कायनात में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसी ही एक चीज न्यूक्लियर पास्ता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो पास्ता की तरह दिखाई देती है। असल में ये हमारी कायनात का सबसे हार्ड सब्सटेंस है जिसे तोड़ना नामुमकिन है, जो न्यूट्रॉन स्टार में मौजूद होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा डेंस होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं में से एक न्यूक्लियर पास्ता है जो कई एटम्स के मिलने से बनता है। ये इतना ज्यादा मजबूत इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी कायनात की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि न्यूक्लियर फोर्स के साथ बंधा होता है। साइंसदान का कहना है कि आज तक हमने जितनी भी चीजें ढूंढी हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा हार्ड है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा खौफनाक लगी। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।